नमस्कार, आप देख रहे हैं अचम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस की मदद से इस शख्स को कल देर रात दरभंगा जिले से दबोचा है, जिसे अब मुंबई लाया जा रहा है। शख्स ने दक्षिण मुंबई के सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में बुधवार को फोन कर एंटीलिया को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कुछ दिनों पहले भी अंबानी परिवार को इस तरह धमकी दी गई थी। उस मामले में मुंबई पुलिस ने दहिसर से एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि फोन करने वाले शख्स ने मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को भी जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने एक अधिकारी ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने दक्षिण मुंबई के गिरगांव स्थित रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर पहले दोपहर 12:57 और फिर शाम 5:04 किसी अनजान नंबर से फोन किया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एक प्रवक्ता ने कहा कि फोन करने वाले अज्ञात व्यक्ति ने सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी और फिर मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और दोनों बेटों और आकाश और अनंत को जान से मारने की धमकी भी दी थी। आरआईएल के प्रवक्ता ने कहा था, फोन करने वाले अज्ञात व्यक्ति ने एंटीलिया को उड़ाने की भी धमकी दी। पुलिस ने इस मामले की शिकायत दर्ज करा दी गई है। फोन करने वाले शख्स के खिलाफ डीबी मार्ग पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गौरतलब है कि इस साल अगस्त में एक जौहरी को अस्पताल में फोन करने और उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की कथित धमकी देने के बाद गिरफ्तार किया गया था। फरवरी 2021 में अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के पास विस्फोटकों से लदी एक स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल यानी SUV मिली थी। बाद में घटना के सिलसिले में तत्कालीन पुलिस अधिकारी सचिन वाजे समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो ये थी हमारी आज की खास खबर। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज पर।